जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मारेवा भगवती सरस्वती मातृशक्ति की तरह शिव सुता नर्मदा मैया भी अपने नर्मदाष्टकम में महिमा बताती दिखाती हम सबको अभिभूत करती हैं। आज इस दृश्य के माध्यम से मैं अपने YouTube के व्यूअर्स और Facebook फ्रेंड्स और कुछ हमारे प्रिय WhatsApp ग्रुप के एडमिन्स को सप्रेम भेंट करना चाहता हूँ। जो बालक वृद्ध जन इस अप्रतिम दृश्य को, इस मनोहारी दृश्य को नहीं देख पाते, मैं उन सभी को माँ नर्मदा के तट पर पूर्वी छोर से पश्चिम दिशा का ये अद्भुत और विहंगम दृश्य समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सारी दुनिया के लोगों से कि कुछ दिन तो गुजारिएगा मंडला शहर में। इस अप्रतिम दृश्य को देखने के लिए भले ही हजार दो हजार दस पांच पच्चीस हजार खर्च होते हों, तो कृपया एक बार आकर तो देखिए और कुछ दिन तो गुजारिएगा मंडला शहर में। मंडला शहर में भी वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, होटल्स टूरिज्म का है, आर के होटल्स है, एम के होटल्स है, सत्यम होटल है, पैराडाइज है, और एमपी टूरिज्म का तो बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत एमपी टूरिज्म का मोटल है। तो फिर से कहूंगा कुछ दिन तो गुजारिएगा मंडला शहर में। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा, ये छोटा पुल दिख रहा है और यह छोटा पुल 19वीं शताब्दी का है और यह बड़ा पुल 20वीं शताब्दी का है। इस बड़े पुल को बनवाने में जहां पूरा मंडला नगर, तत्कालीन कॉलेज के नेतागण, अगर उन्होंने आंदोलन नहीं किया होता तो संभवतः आज भी यह दो राज्यों को जोड़ने वाला नर्मदा मैया पर बना सबसे लंबा पुल हमें नसीब नहीं होता। और पर्सनली मैं इतना खूबसूरत दृश्य आपको नहीं दिखा पाता। एक बार फिर से मैं अपने YouTube के व्यूअर्स और Facebook फ्रेंड्स और WhatsApp ग्रुप के, मेरी ये अभिलाषा है एडमिन्स को, जिन्होंने मुझे कि जिन्हें मेरी घर बैठे बिना ही
इस दृश्य को देखने में अगर और शांति और बहुत सारी सुकून मिल रहा हो, वीडियोस फोटो बार बार देखें और बहुत सारा कंटेंट्स मुझे घर बैठे उपलब्ध करा देते हैं, तो उनको भी थैंक्स कहते हुए इतने खूबसूरत दृश्य के साथ, जिसे देखने के लिए मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग नर्मदा तट पर आते हैं और माँ नर्मदा के सानिध्य में इतना खूबसूरत दृश्य देखते हैं। मेरे मित्र श्री राकेश से धन्यवाद ज्ञापित करूं, आज जबलपुर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, किंतु जिन्होंने और मैं नर्मदा के किनारे हमेशा शाम को शानदार सनसेट देखने के विश्राम गृह बनाया आते थे, और अब तो ये इतना खूबसूरत हो गया है कि अगर सर्किट हाउस में किसी माननीय अधिकारी और माननीय मंत्रीगण नेता जनों को अगर स्थान ना मिल पाए तो वे सीधे इस खूबसूरत फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आ सकते हैं। रियली मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने इस खूबसूरत मैं निरंजन कछवाहा और खास आप सभी से नर्मदा जी के विनती करूंगा कि सचमुच में नर्मदा जी के तट कुछ दिन तो गुजारिएगा मंडला शहर में। माननीय जिलाध्यक्ष कलेक्टर मंडला और माननीय पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब का ही बंगला हुआ करता था, आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय और कलेक्ट्रेट ऑफिस के सारे माननीय न्यायाधीश अधिकारी और कर्मचारी गण इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लेते हैं और अपनी सेवाएं जन सामान के लिए। आज माँ नर्मदा की कृपा से राकेश भी वहां सुख समृद्धि के साथ और महान शांति के साथ रह रहे हैं, और मैं यहाँ मंडला में मैं भी मैं निरंजन कछवाहा अपने दोस्तों के लिए माँ नर्मदा तट से तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। माँ रेवा और भगवान आदित्य नारायण जी की कृपा मुझ पर इस तरह बरस रही है कि मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं जय मात नर्मदे नर्मदा मैया की जय शहर में।